We all remember the day on the 73 Independence Day, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, while addressing the nation from Red Fort, made a clarion call all Indians to promote domestic tourism. He urged every family should visit 15 tourist destinations in India. Pradhan Mantri ji, देखो अपने देश का बात किया है, मगर आज हमारे आर्गस मीडिया के द्वारा चलो अपना देश, चलो देखो अपना देश जो नारा नरेंद्र मोदी जी दिया है, कोरोना के कारण दो साल से वो इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। अभी आप मैं देख रहा हूं मास्क किसके पास भी नहीं है, कारण आज वैक्सीनेशन हुआ है भारत में 185 करोड़ वैक्सीनेशन, दिस इज द बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन द वर्ल्ड। उसके कारण आज सभी लोग घूम रहे हैं, इसलिए आर्गस मीडिया ने लीड लिया है, अभी कोरोना खत्म हो गया, अभी चलो देश देखने के लिए। मैं इसलिए इस मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं। दिस इज अ टाइम मैं बताना चाहूंगा, मैं कल ही मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में आंसर दिया हूं। लास्ट मंथ का मैं जम्मू कश्मीर का बताता हूं, जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है। लास्ट मंथ जम्मू के 1280 फ्लाइट्स आया है लास्ट मंथ। श्रीनगर में जब आर्टिकल 370 से पहले क्या था, आज श्रीनगर एक कश्मीर श्रीनगर टूरिस्ट का डेस्टिनेशन सेंटर बने। लास्ट मंथ 2048 फ्लाइट्स, रेगुलर फ्लाइट्स, I am not saying the charter flights. Charter flights every night, minimum 70 flights parking नहीं मिलता है श्रीनगर में छोड़ के जम्मू में जाके ठहरते हैं, वो स्थिति है। Coming 3 months जो summer season होगा, no rooms, rooms नहीं है, अभी advance book हो गया। श्रीनगर में last month 1.43 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। लास्ट ईयर सितंबर टू दिस मार्च 72 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। मैं क्यों बताना चाहता हूं, आज देश का स्थिति बदला है। मैं नॉर्थ ईस्ट का भी जिम्मेदारी डोनर मिनिस्ट्री हूं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत पोटेंशियल है, टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है, मगर अपन 2% भी उसका एक्सप्लोर नहीं किया है। 2%